आप देखिए आज के समय में आईएएस सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गई है, बल्कि एक जमाना जो है, आप कहावत भी सुनते हैं कि तुम कलेक्टर हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, या तुम डीएम हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, है ना। तो जैसे जैसे आप देखिए इसका और भी ज्यादा इच्छा बढ़ती जा रही है। मतलब आज कहा जाए तो इसको क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र कहा गया, मतलब एक रण सा बन गया है। तो है कि हम कैसे अपने आप को दूसरों से बेहतर कर पाए, कैसे करें। तो थोड़ा सा मैं आंकड़ा पर चर्चा करता हूँ, जो आंकड़े हैं उसको लीजिए। सबसे पहले आईएएस की तैयारी करने के लिए चीजों को दो बराबर भागों में बांटिए। पहले भाग ये आप पहले भाग में बांटिए आप क्या क्या, एक भाग जो ले लीजिए आप समसामयिक की, जिसे कहते हैं करंट अफेयर का, ठीक है, करंट अफेयर्स का। दूसरा आप भाग लीजिए सब्जेक्ट्स का, ठीक। इस पे करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ेंगे आप, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, संपादकीय को युगत वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे योजना आपका होगी, कुरुक्षेत्र हो गई, ये मैं अपने चैनल में कराता ही रहता हूँ, और एक कोई भी द हिंदू न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण, कोई भी एक हिंदी न्यूज़पेपर, बस इतने से आपकी करंट कंप्लीट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ आप क्या लीजिए, सामान्य अध्ययन के विषय ले लीजिए, जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, कोई भी। आप समसामयिकी को क्योंकि 50% देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के डेट में हर एग्जाम में क्या होता है, 40 से 50% लगभग बड़े एग्जाम में ये आती आती है, ठीक है। तो हमें पहले बात याद रखना है कि जब बड़े एग्जाम में आएगी तो हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अब आपको पता है कि लगभग सामान्य अध्ययन के कितने पेपर होते हैं, लगभग मुख्य विषय जो 9 है। अब चार आप ऐसे विषय को भी छांट लीजिए जिनका योग लगभग 40 प्रश्नों से पार कर लेता है, ठीक है। पहले उसको परफेक्ट करने के लिए जरूरी कि हमें थोड़ा सा पिछले पेपर्स के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए पिछले पेपर्स के बारे में, या मैं ही एनालिसिस कर दे रहा हूं तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा, और उसके भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो थोड़े भी प्रश्न ना आते हैं उनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अब उसको आप कवर कर लीजिए कई भागों में, 4 भाग 5 भाग, और साथ में करंट अफेयर्स को ऐड कर दीजिए, और आप पाएंगे कि आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कम कर जाएंगे कम समय में। अब जो मैंने 5 विषय ऊपर, जैसे कोई भी एक 5 विषय ले लीजिए, उनमें इतिहास शामिल नहीं किया था, कैसे मैं बताता हूं। जैसे देखिए आप ये 4 विषय चुन लिए जिनके प्रश्नों का लगभग मेरिट, मैंने आपको बताया मेरिट तक पहुंच जाता हूं। उदाहरण के लिए राज्य व्यवस्था मैंने पॉलिटी ली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ली, अर्थव्यवस्था लिया, और पर्यावरण का ग्रुप बना लिया, मतलब 4 सब्जेक्ट मैंने ले लिए। अब इसका एनालिसिस आप 2017 का देखिए, इस पे लगभग 56 प्रश्न पूछे गए थे, समझिएगा अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 56 प्रश्न पूछे गए थे, और मेरिट लगभग कितनी गई थी, सिर्फ 105। अंदाजा करिए आप। अभी मैं इस पे करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं जोड़ा हूं, करंट अफेयर बहुत सारे पूछे गए थे, लेकिन फिर मैं उसमें से सिर्फ 8 मिला रहा हूं। तो 8 अगर प्लस 8 करते हैं हम इसमें तो कितना जाता है, ये कितना चला गया, 64, इस कट ऑफ से बहुत ऊपर, पहली बार। चलो मुझे लगता है हो सकता है 2017 में ऐसा हो गया हो, अगला देख लेते, 2016 देख लेते हैं। 5 फिर से लिए, 78 प्रश्न पूछे गए, अब वो तो करंट की जोड़ने की जानते हैं। 2015 में 61 क्वेश्चन पूछे गए, और सभी में आप जानते हैं मेरिट जो थी, आपको पता है कि 110 से ज्यादा मेरिट अभी तक गई ही नहीं। अर्थव्यवस्था मान ली कुछ लोगों को समस्या होती, उसको हटा दीजिए, उसमें आप भूगोल शामिल कर लीजिए, राज्य व्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण बन गया, परिस्थिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी का रूप बना, नया ग्रुप बना, तब भी 2017 में 47 प्रश्न पूछे गए, 8 प्रश्न करंट के जोड़ दीजिए, तब भी 55 पार, ठीक है। 2016 में इन 5 प्रश्नों में से 67 प्रश्न आए, 2015 में 60 प्रश्न पूछे गए, तो ये इत्तफाक नहीं हो सकता है, मतलब ये बिल्कुल सही है, हम अपनी तैयारी में कहीं पर चूक कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी चीजें हैं ये सब है कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। अगर ये तैयारी हमारी अच्छी कंप्लीट हो जाती है, बस इतनी, मतलब 50% की तैयारी, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। अब हमें, मैं आपको कई बार बताता हूं, विशेषज्ञ बनने की कोशिश मत करें, सामान्य बन करके आईएएस बनने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। अब बात करता हूं आपको इस पे जो कितनी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी किताबें हैं, उसको भी करने के बाद जो ही बनाएंगे हम, कि जैसे कई बार संस्कृति या सामान्य ज्ञान
बहुत सारे ऐसे पढ़, जैसे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है नहीं मिलती किताब, नहीं मिलता समय, मत पढ़ो, पर जिन जो किताबें हैं उन पे तो पूरी तरह से फोकस करो, अब रणनीति को और बनाओ और अच्छी चीज करो। ठीक है, अगला पोस्ट जब होगा मुख्य परीक्षा के लिए भी बताया जाएगा, कोई पीटी को परस्पेक्ट करके ध्यान करके बनाया गया था, मैं मुख्य परीक्षा के लिए भी आगे अगर बताने की कोशिश करूंगा तो ठीक है, लेकिन आप अभी भी कोशिश करें तो इसमें आप पूरी तरह देखते हैं मुख्य परीक्षा में भी आपके लिए पूरी तरीके से ये सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी आपके यही जो प्रश्न पत्र होते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को हमें करना होता है, उन क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आपका पीटी भी क्लियर और आपका मेंस भी क्लियर। रही सवाल इंटरव्यू का, तो यकीन माने दोस्तों ये जो इंटरव्यू होता है ना ये इसी में से और साथ में आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, जो आप होते हैं और साथ में कि आप क्या पढ़े हैं, आपके पूरे बायोडाटा पर होता है जो आप लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करने से ये बेनिफिट है कि कम से कम जो नहीं जानता वो चीज को जान पाएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएगा, अगर आप जानकार हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करें और आगे चल के आप एक ऑफिसर्स बने, और मुझे कमेंट पर जब भी आप ऑफिसर बने तो जरूर लिख के बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।